कैबिनेट ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 3 नए एम्स को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 3 नए अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान एम्स को मंजूरी दी। ये 3 संस्थान नागपुर महाराष्ट्र, मंगलगिरी आंध्र प्रदेश तथा कल्याणी पश्चिम बंगाल में स्थापित किए जाएंगे। इन पर कुल 4,949 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें से मंगलगिरी संस्थान पर 1,618 करोड़ रुपए, नागपुर पर 1,577 करोड़ व कल्याणी संस्थान पर 1,754 करोड़ खर्च होंगे। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की शुरुआत 2006 में हुई थी, जिसके तहत कुल 6 एम्स खोले जा चुके हैं तथा रायबरेली में 1 एम्स का कार्य प्रगति पर है। जो एम्स खोले जा चुके हैं उनमें से 1 पटना बिहार, 1 रायपुर छत्तीसगढ़, 1 भोपाल मध्य प्रदेश, 1 भुवनेश्वर उड़ीसा तथा 1 जोधपुर राजस्थान एवं 1 ऋषिकेश उत्तराखंड में है। कैबिनेट ने राष्ट्रीय युद्ध मेमोरियल को मंजूरी दी। कैबिनेट ने बुधवार को राष्ट्रीय युद्ध मेमोरियल के निर्माण की मंजूरी दे दी है। साथ ही कैबिनेट ने युद्ध संग्रहालय के निर्माण की भी मंजूरी दे दी है। ये दोनों प्रिंसेस पार्क इंडिया गेट के पास निर्मित किए जाएंगे। प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 500 करोड़ रुपए होगी तथा इसे पूरा करने में करीब 5 साल का समय लगेगा। भारतीय वायुसेना में अब महिला फाइटर पायलट भी होंगी शामिल। भारतीय वायुसेना में जल्द ही फाइटर महिला पायलट भी शामिल होंगी। वायुसेना के अध्यक्ष अरूप राहा ने कहा कि जल्द ही महिला फाइटर पायलटों को शामिल भी किया जाएगा। महिलाओं को लड़ाकू दल में शामिल करने के साथ ही वायुसेना 3 सेनाओं में एक ऐसा करने वाली पहली सेना बन जाएगी। CCEA ने वर्ल्ड बैंक की सहायता से बनने वाले राष्ट्रीय वाटरशेड प्रबंध परियोजना को मंजूरी दी। आर्थिक मुद्दों पर कैबिनेट समिति ने बुधवार को वर्ल्ड बैंक की सहायता वाली राष्ट्रीय वाटरशेड प्रबंध परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना कुल 2,142.30 करोड़ रुपए की होगी। परियोजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय स्तर पर 9 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान व तेलंगाना में होगा। सरकार इसमें 50% खर्च वहन करेगी, जबकि बाकी खर्च वर्ल्ड बैंक उठाएगी। परियोजना का निरंचल होगा तथा इसका मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की घोषणा को पूरा करना तथा हर खेत को पानी उपलब्ध कराना है। UNCTAD ने व्यापार व विकास रिपोर्ट 2015 जारी की। व्यापार व विकास पर संयुक्त राष्ट्र की कॉन्फ्रेंस UNCTAD ने अपना जिनेवा स्थित मुख्यालय से वर्ष 2015 के लिए रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना तथा विकास हेतु कार्य पर जोर देती है। दक्षिणी अफ्रीका ने T20 श्रृंखला जीती। दक्षिणी अफ्रीका क्रिकेट टीम ने 3 मैचों की फ्रीडम कप T20 श्रृंखला में भारत को 2-0 से हराया। तीसरा मैच कोलकाता में बारिश की वजह से धुल गया। श्वेतलाना एलेक्सीविक को साहित्य का नोबेल। बेलारूम की पत्रकार व लेखिका श्वेतलाना एलेक्सीविक ने 2015 का साहित्य पुरस्कार जीता है। साइक्लिस्ट देबोरा हेराल ताइवान कप में 5वें पदक जीतने वाली पहली भारतीय। भारतीय साइक्लिस्ट देबोरा हेराल्ड 1 स्वर्ण, 3 रजत तथा 1 कांस्य सहित कुल 5 पदक जीतकर ताइवान कप में ऐसा करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। इसके साथ ही वे महिलाओं में एलिट ग्रुप में जीतने वाली पहली भारतीय भी बन गई हैं। देबोरा ने स्वर्ण जीतने के लिए मलेशिया एक साइक्लिस्ट को हराया था। रेफ बदाबी व जेम्स फिटन को पेन पिंटर अवार्ड। रेफ बदाबी व जेम्स फिंटन को 2015 का पेन पिंटर अवार्ड प्रदान किया गया है। पेन पिंटर अवार्ड साहित्य का वार्षिक पुरस्कार है, जो नोबेल पुरस्कार विजेता हेरोल्ड पिंटर की याद में वर्ष 2009 से दिया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर मोर डेली करंट अफेयर्स अपडेट प्लीज सब्सक्राइब टू वाईफाई श्री चैनल।